孙悟空。The Beast Warriors says, भाई Super Saiyan Broly का शोकेस कब ला रहे हो और तुम्हें जितने भी एलिफेंट मिल जाएं, अरे थैंक यू Beast Warrior, थैंक यू फॉर लव। Eldrago, शोकेस प्लीज। यस Eldrago भाई, शोकेस ला रहे हैं आपके लिए हम। और सुब्रे आलम बोलते हैं वीडियो बना दो। यस सुब्रे आलम, वीडियो बना रहे हैं आपके लिए यार, एलएफ ब्रॉली का। सैयन भाई गेमिंग कहते हैं ब्रो, ब्रॉली का शोकेस कर ला रहे एंड योर बिग फैन। अरे भाई 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 थैंक यू। तो यार अब देख रहे हो कि हम लोग वीडियो कर रहे हैं एलएफ ब्रॉली का, तो सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग यह शोकेस करेंगे एलएफ ब्रॉली का, जो मुझे 500 सीसी में फर्स्ट स्टेप ही मिल गया था। आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लो, शॉर्ट्स वीडियो है। और ये कुछ इसके स्टैट्स आप दिख रहे हैं कि मतलब ये डबल स्ट्राइक काइट होल्ड करता है, टू स्टार एलएफ के लिए बहुत ही अच्छे स्टैट्स है, बहुत ही 136 स्ट्राइक डिफेंस, ब्लास्ट डिफेंस 133 के। और इसके पास जो एक ब्लास्ट कार्ड स्पेशल कुछ होल्ड करता है उस पर उसका डैमेज अप है, मतलब 10% तक का डैमेज अप करता है, मतलब ये। और डैमेज रिसीव 15 टाइमर काउंट के लिए, मतलब ये बहुत ही गजब की चीज है यार, मतलब ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और अगर आप उसका कार्ड में देखो तो उसका जो भाई ब्लू कार्ड है वो मैसिव डीम पेट करता है, और 30% का पेंट भी है, तो ये बहुत ही गजब का है यार। जो पुराला वाला ब्रॉली है उस पर शायद मैसिव नहीं एक्सप्लोड डैमेज है, मेजर है, बट इस पर मैसिव और 30% वो भी है। ग्रीन कार्ड बहुत मुझे अच्छा लगा यार, इसका देख लो 30 की रिस्टोर करता, कार्ड ड्रॉ को A1 लेवल बढ़ाता है, पर इसको स्टैक्ड नहीं कर सकते हो, बहुत सारे यूनिट का स्टैक्ड होता है पर इसका स्टैक्ड नहीं कर सकते हो, मतलब दो ग्रीन कार्ड के तो लेवल 2 नहीं मिल सका। ब्लू कार्ड मुझे अल्टर इसका बहुत अच्छा लगा मुझे, मैसिव इंपैक्ट करता है, 30% डैमेज जब इसको एक्टिवेट करते हो थ्री टाइमर काउंट के लिए, प्लस फोर्स स्विचिंग भी है इसके पास, मतलब इसको दूसरे यूनिट को मतलब फोर्स मजबूर कर देता है स्विचिंग करने पे। अल्टर भी बहुत ही अच्छा है, और अल्ट में आप देखो कि हेल्थ 25% तक ही रिस्टोर करता है और 50% की रिस्टोर करता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कवर चेंज को नलीफाई कर देता है, यस गाइज, अगर आपने मैन एक्टिवेट की तो बिना डरे जाओ, क्योंकि ये कवर चेंज नलीफाई कर देता है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। उसके बाद जो इसका मतलब ये है कि डैमेज इसका मतलब पूरे पैसे में डैमेज में कितना पढ़ूंगा, क्या क्या डैमेज इसके पास, जो मेन चीज है मैं उसको बता दूंगा आपको, आप खुद भी जाकर देख सकते हो। देखो जो मुझे इसमें बेटर लगा वो ये लगा कि जब भी यार एनिमी आपका कवर चेंज करता है तो इसे 10% की हेल्थ रिस्टोर करता है 5 बार, यानी 5 बार अगर कोई एनिमी कवर चेंज करेगा तो हेल्थ रिस्टोर कर लेगा। मैच में आप जब देखोगे तो पता चल जाएगा ये क्या है। वेनिशिंग भी रिस्टोर कर लेता 50%, मुझे ये सबसे गजब लगा। फटाफट हम पीवीपी करेंगे और देखते हैं पीवीपी में यार कैसा ये करता है। सुपर सेंस टीम पर रन करेंगे बॉर्डो की क्रीट के साथ, तो फटाफट चलो आते हैं अपना पीवीपी का पहला मैच करते हैं और देखते हैं हमारा पहला मैच कैसा होता है। ओके, तो हमारा पहला मैच आ चुका है, और पहला मैच आप देख रहे हो कि मूवीज की टीम है। ओके, मूवीज की टीम है, तो जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो है SS4 गोजीटा। जो यार SS4 गोजीटा जानती हो कि कितना टैंकी है डिफेंस वाइज, और हम 2 ब्लू रन कर रहे हैं, तो अगर उसके क्लच में अगर आते हैं हम तो भाई साहब वो फिनिश कर देगा हमको। तो हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि यार इस SS4 गोजीटा को पहले निपटा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो गाइज, अगर चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करो पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, इंडिया कम्युनिटी को सपोर्ट करो यार, प्लीज सपोर्ट इंडिया डेविल कम्युनिटी। तो भाई साहब ने स्टार्ट किया पहले ब्लू वाले गोजीटा के साथ, तो हम तुरंत स्विच करेंगे क्योंकि हमें मेन टारगेट मेरा यही है कि इसको शोकेस दिखाऊं। और यार प्लीज यार डोंट टैकल एंड ब्लास्ट अगेंस्ट ब्रॉली, क्योंकि इसके पास कवर आर्मर है, और यहां मैंने कॉम्बो ड्रॉप किया, मुझे पता था कि ये करेगा। अब भाई ब्रॉली यार क्या खा के मार रहा है भाई, स्ट्रॉइड ले लिया इसने, देख रहे हो यार, मतलब वो डिफेंस टाइप यूनिट है और हमारा ब्लू टाइप है, क्रीट का कमाल देखो भाई, क्रीट है बस ये, क्रीट डैमेज, ओ भाई ओ भाई डैमेज यार, मतलब क्या ही हालत खराब कर दी इसने यार। और यहाँ हमने फिर कैच कर लिया इसको, और ब्लास्ट डैमेज, ओ भाई मतलब 1 कॉम्बो कर दिया यार उसने ऑलमोस्ट गोजीटा को, एक और स्ट्राइक करता काम तमाम था भाई गोजीटा, वो भी डिफेंस टाइप इतना टैंकी यूनिट है भाई, 2 स्टार ब्रॉली यार मुझे यार। और मैंने कहा था यार डोंट टैकल दिस यूनिट एवर, अगर आप कभी फेस करते हो, क्योंकि इसका ब्लास्ट आर्मर है तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर वो स्ट्राइक करेगा तो क्लैश होगा, ब्लास्ट होगा तो आप जीतोगे, टैकल करेगा तो आप जीतोगे। यहां पर मैं स्विच करूंगा और अल्ट किया, वो फिनिश करता है कि नहीं, ओके स्विच कर लिया उसने अपने रेड वाले को जीता में, तो ये फिनिश हो जाना चाहिए यार आई थिंक। ओके, ओ भाई फिनिश ही था यार, जेनकाई 7 गोजीटा की हालत खराब, ओ भाई क्या ही धुलाई हुई है तीनों गोजीटा की। ओके, यहाँ से डॉच कर लिया यार, क्या ही धुलाई किया हमने यार, मतलब बहुत ही ज्यादा धुलाई, गजब की धुलाई है मतलब। और फाइनली ही कैचस, तो फटाफट चलते हैं हमने बार डॉक में, क्योंकि आपको पता है 2 स्टार ब्रॉली है और वो ग्रीन है, तो मतलब उतना टैंक नहीं कर सकता अच्छा,
तो इसलिए हम जेनकाई से बार्डोक में जाएंगे ताकि यार एटलीस्ट वो अच्छे से टैंक करे। ओके वो अपने अल्ट के लिए जा रहा है तो मैं स्विच कर दूंगा अपने पर्पल वाले ब्रॉली में, क्योंकि यार आपको पता है कि वो उसे मतलब वो अपना उसका एलिमेंट नलीफाई भी उसने कर दिया है, बट फिर भी यार वो बार्डोक को फिनिश कर सकता था, एटलीस्ट इसको फिनिश नहीं कर सकता पर अच्छा खासा हमें डैमेज जरूर होगा। ओके यार पहले हम उसको आधा रिकवर कर लेंगे अपने मेन से, आपको पता है 20% की रिकवरी करता है ये। ओके तो फटाफट थोड़ा सा क्लोज कॉम्बैट, ओके हमने यहाँ पर उसको कैच कर लिया लेकिन थोड़ा लॉन्ग रेंज पे थे इसलिए हम उसको कैच नहीं कर पाए। ओ भाई क्या ही क्रिट है भाई, क्रिट डैमेज भाई, ओपी क्रिट डैमेज। ओके नाइस भाई, टैकल मत करना। ओके टैकल फिर से भाई गलती इसने की और भाई खत्म भाई, फॉरफिट द मैच। लेकिन ये दूसरा ब्रॉली था भाई, उस ब्रॉली ने अपना सारा काम कर दिया था, बाकी इस ब्रॉली ने निपटा दिया काम। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो भाई की और चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक द वीडियो बहुत करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप इस ब्रॉली को किस टीम पर रन करना पसंद करते हो। ओके सेकेंड मैच हमारा आ चुका है और सेकेंड मैच आप देख रहे हो कि यार एंटी साइंस टीम रन कर रहा है बंदा, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज होने वाली है क्योंकि यार एंड्रॉयड 18 यार बहुत ही ओपी यूनिट है। और ओके स्टार्ट किया उसने अपने एंड्रॉयड ब्लू वाले से 21 से, तो मैं स्विच कर लिया अपने ब्रॉली में और देखते हैं क्रिट बफ मिलता है कि नहीं। तो पहले वाले स्ट्राइक पर क्रिट बफ नहीं मिला, सेकेंड वाले पर क्रिट बफ मिला और भाई साहब क्या ही, ओ भाई क्या ही तुड़ाई हो रही है। अगर आप एंड्रॉयड 21 को रन करते हो तो आपको ये बात पता होगी कि इतनी ज्यादा ये टैंकी यूनिट है। तो यहाँ पर इसको टैप कर दिया और ताकि आपने वो ग्रीन कार्ड से कॉम्बो ना कर पाए और स्विच कर लिया आपने गोजीटा में, पर ये थोड़ा मिशन फेल्ड हो गया क्योंकि यार उसने अपने ब्लू कार्ड से मैं थोड़ा पकड़ लिया वहाँ कैच कर लिया, बट हमने फिर से उसको कैच कर लिया अपने और उसको फिर हम कॉम्बो कर रहे हैं और देखते हैं यार मतलब ये कहाँ तक कर सकते हैं। तो आई स्विच टू बार्डोक ताकि यार मतलब ये थोड़ा सा कॉम्बो मतलब उसको डैमेज हो। ओके तो अभी ठीक है ब्रॉली एंटर करने वाला है तो ओके स्विच भाई टैप पर टैप कर रहा है ये। ओके ओके तो यहाँ हमने इसको फिर से कैच कर लिया और वी आई गोइंग टू स्विच टू ब्रॉली। ओके भाई साहब ये होगा क्रिट बफ, लेट्स गो फॉर द मेन और देखते हैं अल्ट से कितना डैमेज कर सकते हैं हम इसको, अल्ट से इसको पीटते हैं और लेकिन बहुत ही डैमेज हो क्योंकि ये साइंस नहीं है, तो क्योंकि साइंस के खिलाफ एक्स्ट्रा इन्फ्लिक्ट डैमेज है पर ये साइंस नहीं है, तो फिर भी बहुत ही अच्छा डैमेज हुआ क्योंकि पता है कि आपको जो एंड्रॉयड 18 उसके पास 25% का सस्टेंड डैमेज कट है और ये साइड स्टेप अपना कैंसिल बीच में जरूर करेगा। ओके बट मैं थोड़ा वहाँ पर कैच नहीं कर पाया। ओके तो ये इसने डॉज कर लिया। ओके नाइस नाइस और उसने हमें कैच भी कर लिया साइड स्टेप पे। तो गाइज ओके उसने कॉम्बो ड्रॉप कर दिया यार, तो नाइस 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 नाइस। तो यहाँ मैं सीधे अपने स्ट्राइक के लिए गया क्योंकि उसका वैनिश नहीं थी या दूसरी चीज़ यार इसके पास ब्लास्ट आर्मर है और ये भाई साहब खत्म ही हो गई एंड्रॉयड 21 तो। ओके नाइस तो यहाँ पर इसके पता कि लॉन्ग एनिमेशन है और भाई क्रिट वा भाई ब्रॉली के नशे वो भाई नाइस यार। तो इसने इसको खत्म ही कर दिया मतलब उसका पहली लाइफ खत्म कर दी। तो आप इसको हम राइजिंग रस्क दोनों में किसी भी यूनिट कर सकते हैं, बस जो हमारा टारगेट होगा वो एंड्रॉयड 18 ही होगी क्योंकि हमारे पास दो ब्लू हैं तो भाई सेल से उतना खतरा नहीं है। और यहाँ इसको मैंने कैच कर लिया भाई, आई थिंक अब क्रिट खत्म हो गया होगा, जो क्रिट है वो 15 काउंटर टाइमर के लिए ही होता है और आई थिंक 15 टाइमर काउंट निकल गया ब्रॉली को, तो एक कार्ड और था। ओके तो कैच ही कर लिया भाई। तो अब भाई साहब एंड्रॉयड 18 है, हमारे पास राइजिंग रश है तो भाई देखते हैं वो कम बैक कर सकते हैं कि नहीं। ओके भाई इसने राइजिंग रश कर दिया, उसके साथ में लगा हुआ के साथ में कार्ड ले जाऊंगा। ओके यहाँ उसको कैच नहीं कर पाया तो अब एंड्रॉयड 18 बदला लेगी यार, इससे पहले बदला ले अपने सटक लेते हैं इधर से बॉर्डॉक में चले जाते हैं, उसके पास कार्ड ड्रॉ 2 भी मिल जाएगी उसको, बट चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको हमारे पास गोजीटा भी है अभी स्पेशली, उसके पास राइजिंग रश भी खत्म हो गई है। नेवर अंडरस्टैंड भाई एंड्रॉयड 18, उसके साथ मजाक नहीं करना स्पेशली अगर आप साइंस रन कर रहे हो तो। तो यहाँ पर मैं स्विच करूंगा और अपने गोजीटा इसको आराम से टैंक कर ले जाएगा क्योंकि वो रेड यूनिट है, मेरा जानकारी 714 स्टार तो इजिली टैंक कर ले जाएगा। उसके पास वैनिश नहीं है तो हम इसको कैच कर लेंगे आराम से। ओके तो मैं अपने जाऊँगा ब्रॉली में और राइजिंग रश कर देता हूँ उसको मैं और देखता हूँ कि बस गेस ना कर ले और बस। ओके तो देखते हैं गेस कर पाता है नहीं। ओके उसने गेस कर लिया, ब्लू कार्ड गेस कर लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, और अभी भी हमारे पास बहुत वो है मतलब कम बैक के चांसेस है और यहाँ पर उसको हमने फिनिश कर दिया। तो यह मैच हम जीत गए हैं अच्छी से मतलब। गाइज अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक है, वहाँ आ सकते हो और हमसे बातें कर सकते हो। तो ये है यार सेकेंड मैच का साथ, चलते हैं फटाफट अपने थर्ड मैच की तरफ। ओके
ओके तुम्हारा थर्ड मैच आ चुका है और थर्ड मैच आप देख रहे हो कि फ्यूजन्स की टीम रन कर रहा है बंदा, और भाई साहब क्या ही स्टार्स लेके बैठा हुआ है सभी पे यार, बहुत ही ज्यादा स्टार्स लेके बैठा हुआ है। आई थिंक ये पे टू विन प्लेयर है और उसने स्टार्ट किया है अपने ग्रीन वाले गोजीटा, ऑफकोर्स उसी से स्टार्ट करेगा, उसको पता है कि मैं भाई बारडॉक से स्टार्ट करूंगा, बट उसको हमने कैच कर लिया। एज आई से नेवर टैकल एंड ब्लास्ट अगेंस्ट ब्लास्ट आर्मर यूनिट्स, और यहाँ पर भाई अभी क्रिट तो नहीं मिला हमें पर ब्लू कार्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ पर उसको डैमेज कैसे मिलता है। भाई साहब मतलब अगेंस्ट यार वो सेंजन सॉरी सेवन स्टार एस एस फोर गोजीटा के अंदर इतना डैमेज मिल रहा है भाई। ओ भाई अब क्रिट मिला है भाई, क्या ही है यार, वो सेवन स्टार है उसके पास इतने सारे डिफेंस है, मतलब इतने सारे वो टैंकी यूनिट है भाई, पिटाई बहुत ही हुई है इनकी भाई वाइट भाई ओ भाई। यहाँ पर मैंने फिर से उसका कॉम्बो ड्रॉप किया था और फिर से वो बैट में आ गया। ओके भाई फिर से कैच कर लिया, तो क्या ही पिटाई हो रही है इन गोजीटास की भाई, बहुत ही पिटाई हो चुकी है इनकी भाई। ब्रोली इज ऑसम भाई, ब्रोली इज ऑसम। ओके यहाँ फिर से मैंने इसको कैच कर लिया, पता नहीं क्या ये नाटक कर रहा था। ओके यहाँ पर मुझे कॉम्बो ड्रॉप करना चाहिए था बट कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो यहाँ पर ओके ब्लू कार्ड, ओ भाई खत्म कर सकता था, बस वो ग्रीन यूनिट था और टैंकी यूनिट था इसलिए बच गया वो, और थोड़ी सी की होती तो मैं अपने स्ट्राइक कार्ड के लिए चला जाता क्योंकि फायर पे फायर किया जा रहा था। अब बंदे ने हमें कैच कर लिया यहाँ पर भाई, तो अब हमें स्विच करना ही पड़ेगा नहीं तो भाई हमें फिनिश कर देगा। तो भाई ये पहले तो कार्ड डिस्ट्रॉय करेगा हमारे, तो हम फटाफट बारडॉक में भाग जाते हैं ताकि यार मतलब इसको ख़त्म ना कर दे। अब तुरंत हम इसमें चले जाते हैं, वो आपको पता है कि अपने मेन से जो एलिमेंट कलर होता है उसको नलीफाई कर देता है, तो यहाँ पर इसको भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब मार पड़ने वाली है ब्रॉली को भी, बट फिनिश नहीं कर पाएगा। ओके तो मेन से 20% की हेल्थ हम वापस ले लेंगे, और यहाँ पर इसको मैंने बेट कर लिया टैप ब्लास्ट में और सीधे मेरा इंग्रेस के लिए जाऊँगा ताकि यार एक यूनिट का ये जो भाई गोजीटा है यार ये बहुत ही डेंजरस यूनिट है। जब ये शुरू में जब दिसंबर में बैक टू दिसंबर में ये जब लॉन्च हुआ था तो लोगों ने इसको उतना पसंद नहीं किया था, बट अब देखो यार सब सबके पास ये यूनिट है, सब इसको रन कर रहे हैं अपने सैंस में फ्यूजन्स में एंड इवन मूवीज़ में, तो भाई क्योंकि मूवीज इसकी मेन टीम है और फ्यूजन्स की, बट इसको अब सैंस में भी लोग रन करना पसंद करते हैं। तो एक यूनिट का मैं डाउन कर दिया, बट यहाँ पर कार्ड नहीं था हमारे पास नहीं तो इसको हम तुरंत स्ट्राइक ले जाते। ओके तो ये फिनिश नहीं कर पाए हमें, और यहाँ मैं डॉच कर लूँगा। ओके यहाँ कैच करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई और कैच नहीं कर पाया हम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हमारा बस अभी ब्रॉली जिंदा है और बस इसको एक 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 कैच करने की जरूरत है, अगर एक बार इसने कैच कर लिया तो ये इसका गेम खत्म है, मतलब ये बंदा गेम खत्म है इसका। ओके ओके भाई साहब फिर से उसने वही गलती की और भाई फॉरफिट द मैच, तो भाई ये भाई साहब सबको फॉरफिट करा रहा है भाई। देखो एक मैच खेलने का अलग मजा होता है, मतलब कि अगर आप मैच हार भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर इस तरह के डैमेज मिलता है तो भाई अलग ही मतलब सुकून मिलता है, वो सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही होता है। तो फटाफट चलते हैं हम अपने आखिरी वीडियो पे और देखते हैं हमारा आखिरी मैच किसके साथ होता है। ओके द लास्ट मैच ऑफ द वीडियो इज अगेंस्ट बाई मूवीज है, तो यही दो टीम आजकल बहुत मेटा में चल रही है, मूवीज हाइब्रिड्स, मूवी हाइब्रिड्स, क्योंकि भाई गोहान ने तो हाइब्रिड्स को रिवाइव कर दिया है और मूवीज को भी साथ साथ में रिवाइव कर दिया है, तो लोग यार मूवीज और हाइब्रिड्स काफी रन कर रहे हैं। तो इस बंदे के पास भी यार ये ग्रीन वाला गोकू है, तो इसको ही हमारा मतलब देखते हैं क्या ही ब्रॉली का डैमेज करता है। तो यहाँ इसको हमने कैच कर लिया साइड स्टेप पे और देखते हैं यार कितना अच्छा ये डैमेज कर पाता है इसके अगेंस्ट। ओके नाइस भाई साहब, उसने हमने ग्रीन यूनिट को यार फोर्स कर दिया भाई, क्या ही डैमेज है क्रिट का, हमने ग्रीन यूनिट को फोर्स कर दिया भाई मतलब स्विच करने पे, भाई इसका इतना ही ओपी डैमेज है ग्रीन के अगेंस्ट भी। तो भाई यार ब्रोली के भाई जो भाई क्रिट बफेन है भाई, किसी को भी स्विच करने पे मजबूर कर दें। यहाँ हमने इसको कैच कर लिया और उसको हमने मतलब स्ट्राइक कार्ड पे और उसको हमने बाहर फेंक दिया भाई। यहाँ पर उसने हमने कैच कर लिया अपने ग्रीन कार्ड से, तो उसका ग्रीन कार्ड फ्रीजा का बहुत ही एनॉइंग है आपको पता है, या पैरालाइजिस कर देता है ये। ओके तो यहाँ पर उसने कैच कर लिया हमको। ओके नाइस नाइस, साइड स्टेप कैंसिल किया उसने, और क्योंकि हमारा ब्रॉली नहीं था तो हम उसको कैंसिल टैकल करने ही नहीं देते। ओके तो यहाँ पर मैं डॉच कर लूँगा तुरंत अपने जाऊँगा क्योंकि इसका लॉन्ग एनिमेशन है। ओके ग्रीन कार्ड से फिर कॉम्बो करूँगा मैं अपने, देखता हूँ उसको क्रिट बफ मिलता है या नहीं मिलता इस। ओके तो अभी नहीं मिला उतना। ओके ओके नॉर्मल भाव काफ़ी अच्छा डैमेज है, और देखूंगा मैं स्ट्राइक कार्ड पे डैमेज। ओके अल्ट के जाता हूँ, देखता हूँ अगर अल्ट पे क्रिट मिलेगा तो ये फिनिश हो जाएगा। ओ भाई अल्ट पे क्रिट मिलना है एक्चुअली भाई, आई थिंक इसको फिनिश कर देगा यार। ओके ओके फिनिश ही कर दिया, इट डजेंट मैटर कि आप ग्रीन हो या फिर क्या हो, ब्रॉली डजेंट केयर भाई साहब। ओके यहाँ उसको हमने देख लिया अटैक करते हुए, तो मैं ग्रीन कार्ड करूंगा, ग्रीन से फिर ब्लू से कॉम्बो कर दूंगा और फिनिश तो नहीं होगा ब्रॉली बट काफ़ी अच्छा खासा डैमेज होगा, और उससे उसने चेंज कर दिया। ओके नाइस, तो नाइस यार ये सही है।
ओके 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 गाइज, अगर आपने वीडियो इंजॉय की है यहाँ तक, और यहाँ तक भाई की वीडियो देखी है और इंजॉय की है, तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना। ओके और आप जिस भी इंडियन कम्युनिटी में और वहाँ पर ड्रैगन बॉल्स के फैंस है, ड्रैगन बॉल लेजेंड्स के फैंस है, और ये चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को उनके तक पहुँचा देना, उनको शेयर कर देना, और उनसे बोलना प्लीज़ कि तकी या चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे DVL इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट करें। इस बंदे ने यार मेरा मेन शोकेस यूनिट को उड़ा दिया, तो आगे की मैं कमेंट अब यहाँ से नहीं करूँगा, आगे का मैच आप पूरा खुद देख लेना। लेकिन गाइज, इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म हो जाए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना कि आप प्लीज़ यार शेयर करना इस वीडियो को अपने DVL कम्युनिटी में। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए यार बाय बाय एंड टेक केयर।